बहुत सारी खबरें कर रही हैं, शिद्दत से आपका इंतजार उन खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हमारे पास लगातार खबर आ रही है कि आसनसोल संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुनमुन सिंह, जो फिल्म अभिनेत्री भी है, वह सांसद के रूप में लोगों की पसंद बनेगी या नहीं, ये लोगों में अभी तक कौतूहल बना हुआ है। और हालांकि मुनमुन सिंह अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, रानीगंज पहुंची और रानीगंज पहुंचकर उन्होंने वहां के मतदाताओं से बातचीत तो की ही, उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत की। और उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने ये कहा कि बुजुर्ग मतदाताओं को सहयोग करें, ऐसा उन्होंने कहा। और इससे पहले एक आदिवासियों के गाँव में जाकर उन्होंने नृत्य भी किया। रंग जम गया है चुनाव प्रचार के दौरान। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। आसनसोल लोकसभा केंद्र से टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन ने रानीगंज के बख्तार नगर इलाके में एक कर्मी सभा को संबोधित किया। इन्होंने टीएमसी कर्मियों को इलाके के अस्वस्थ और बुजुर्ग वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर पहुंचाने की सलाह दी। আমাদের পাঁচজন পয়েন্টের সদস্য ওনারা এসেছিলেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক, তাপনাজি দাসুদা, সভাধিপতি সুভদ্রা বাউরি, সকলে আমাদের এখানে এসেছিলেন এবং বক্তনগর গ্রামের কাছে আমরা প্রচার করেছিলাম। আমাদেরকে একটু আশীর্বাদ করবেন, এলাকার আমরা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে প্রায় উন্নয়ন করেছি। আমরা আজকে যে সাড়া পেলাম তাতে আমরা দেখলাম গ্রামবাসী আমাদের এখানে সতর্কভাবে এসেছেন এবং সবাইকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আমরা আশা রাখছি যে আগামী যে সামনে 27 তারিখ নির্বাচন, 5টা ভোট থেকে আমরা যেন আমরা চেষ্টা করবো যেন আমাদের দলীয় প্রার্থীকে আমরা লিখ দেওয়ার জন্য এবং আমরা ঘরে ঘরে আবার যাবো, আমাদের কাছে আমরা অনুরোধ করবো, আর যদি আমরা কোনো ভুল করে থাকি সেটা আমরা ক্ষমা চাইবো। साथ ही बाबुल सुप्रियो के कार्यकाल का लेखा जोखा मांगने की भी सलाह दी। खास बात रानीगंज। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि बंगाल में आसनसोल संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुनमुन सिंह लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, स्थानीय नेता उनके साथ हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों का एक स्तर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक तौर पर भी प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है और प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। और आपको बताऊं कि सेंट्रल जो जवान हैं यहाँ पे पहुंच गए हैं आसनसोल और आसपास के इलाकों में, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। उन्होंने फ्लैग मार्च किया पांडेश्वर इलाके में। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में आपको। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने पांडेश्वर इलाके में रूट मार्च किया। पांडेश्वर इलाके के जुवाल डंगाल, नवग्राम, भाटमोड़ा आदि इलाकों में रूट मार्च किया गया। हेलो, की वालो वोट में देने को तंगी तो नहीं? नहीं जाने होता, नहीं जाना होता। नहीं, ये जो ये पहले ऐसी पर्दी वाले आए थे। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने सभी नागरिकों से बिना डरे मतदान करने की अपील की। खास बात पांडवेश्वर। मित्रों, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि बंगाल के पांडवेश्वर इलाके में फ्लैग मार्च चल रहा है राष्ट्रीय जवानों का, जो लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ आए हैं। और इस एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपको बताऊंगा, इससे पहले बता दूं कि फेसबुक ने 300 फर्जी अकाउंट को रद्द कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये तमाम फर्जी अकाउंट पाकिस्तान आर्मी से जुड़े कर्मचारियों के थे, उन कर्मचारियों के तमाम फेसबुक अकाउंट फेसबुक ने बंद कर दिए हैं आज। और फेसबुक का ऐसा मानना है कि ये तमाम अकाउंट जो है एक विश्व वमन कर रही थी भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ बहुत तरह की बातें की जा रही थी इन फर्जी अकाउंट की वजह से। यही वजह है कि फेसबुक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 300 फर्जी फेसबुक अकाउंट्स को बंद कर दिया है। और इसके बाद आइए फिर आपको लिए चलते हैं चुनावी प्रचार की तरफ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर हमारे पास आ रही है। जांगड़िया में भी बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया और पता चल गया लोगों को कि लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक आ गया है और उनके फैसले की घड़ी भी बिल्कुल नजदीक है। उधर जामुड़िया में भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने रूट मार्च किया।
परासिया, डोबराना, केंदा आदि इलाकों में बीएसएफ के जवान पहुंचे और लोगों से निडर होकर वोट डालने की अपील की। वोट डालिए और आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हम है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आप मतदान वाले दिन अपने जाइए और किसी ध्यान रखना है, किसी का वोट भी घर पे न रह जाए। बीएसएफ के कमांडिंग अफसर प्रदीप सिंह शेखावत ने आम जनता से निडर होकर वोट डालने की अपील की। खास बात के लिए जमुड़िया से मुजम्मिल अंसारी की रिपोर्ट। मित्रों, बड़ी पार्टियों के अलावा कुछ छोटी पार्टियों के उम्मीदवार भी इस बार मैदान में डटने की तैयारी में लगे हैं। इसी क्रम में भालू रापा के उम्मीदवार कुंदन सिंह भी चुनावी मैदान में। इस बार के आसनसोल लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रवादी लोकमत पार्टी की टिकट पर आसनसोल क्षेत्र से उम्मीदवार युवा नेता कुंदन सिंह ने सोमवार को सपरिवार आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। कुंदन सिंह को उम्मीद है कि इस बार आसनसोल की जनता लीक से हटकर एक युवा चेहरे को लोकसभा में अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजेगी। खास बात आसनसोल। और अब बात करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम की। आसनसोल के गुजरात भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने समापन किया। आसनसोल के उषाग्राम स्थित गुजरात भवन में ओम शांति ओम डांस एकेडमी की तरफ से दूसरा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर एकेडमी के बच्चों और उनके अभिभावकों ने रंगारंग नृत्य पेश किया। खचाखच भरे गुजरात भवन में उपस्थित सभी दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में आसनसोल के निवर्तमान सांसद बाबू सुप्रियो की पत्नी, टाइनी टॉट्स स्कूल की प्रधान अध्यापिका अंजुल बागड़ी, जगदीश बागड़ी और एकेडमी के अध्यक्ष करणधारी खास तौर से मौजूद थे। और उसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता की तरफ से आसनसोल में प्रेस मीट की गई। इस प्रेस मीट के दौरान हॉस्पिटल से जुड़े चिकित्सकों ने संवाददाताओं से विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की और कई तरह की इंफॉर्मेशन भी दी।
मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। अस्पताल के दो प्रमुख चिकित्सकों ने पत्रकारों को कई अहम जानकारियां दी। इनमें महीने में 15,000 से कम आय के लोगों के लिए इलाज में 15% रियायत प्रमुख था। इन्होंने बताया कि इस अस्पताल में अब जन्म से बोलने और सुनने की शक्ति से महरूम लोगों का भी संपूर्ण इलाज संभव है। खास बात आसनसोल। मित्रों, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी शबाब पर हैं और इसी तैयारियों के बीच एक और खबर आपको दे दूं कि 3 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं और उनकी इस यात्रा को काफी व्यवधान भी पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही थी, आखिरकार प्रधानमंत्री के इस सभा को मंजूरी मिली और 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से उनकी सभा सिलीगुड़ी में होनी है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और एसपीजी के जवान यहां पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी और यहां मंच बनाए जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक जनसभा को संबोधित करने सिलीगुड़ी पहुंच गए हैं। और आइए इसके साथ ही, इसी सूचना के साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे मिलते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप भी हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।